සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේ 1 ජූලයි ඉන්නේ web programming Q&A video series එකේ 19 වෙනි video එකත් එක්ක. මේකදී අපි කතා කරන්නේ 19 වෙනි question එක. මුලින්ම අපි 19 වෙනි question එක බලමු. මෙතන අපේ 19 වෙනි question එක. මේකදී කියලා තියෙන්නේ biology උගන්වන teacher කෙනෙකුට එයාගේ student ලගේ details ටික enter කරගන්න සහ student ලගේ exam වල मार्क्स एंटर कर वेब एप्लीकेशन खदाती आप डेवलप करेंगे आप रिक्वायरमेंट अभी रजिस्ट्रेशन पेज खदानी लॉगिन पेज खदानी रिसल्ट व्यू कर पेज खदानी रिसल्ट ऐड कर पेज खदानी रजिस्ट्रेशन पेज स्टूडेंट की नेम ईमेल अड्रस पासवर्ड लॉगिन के लगे ईमेल पासवर्ड दिनों लॉगिन के टीचर ईमेल सह पासवर्ड फिक्स दिया लग्गन टीचर रीडी एट रिसार्ड की पेज चिकट एम स्टूडेंट करेक्ट लगे स्टूडेंट एवानी व्यू रिसार्ड की पेज चिकट व्यू रिसार्ड की पेज के अदाल स्टूडेंट की एग्जाम मार्क्स पेनी मार्क्स एक्ना पेज के स्टूडेंट की नेम का एग्जामिनेशन डेट का रिसल्ट रिलीज डेट का मार्क्स ग्रेड दिन अभी आप आंसर बल मैं आप रजिस्ट्रेशन पेज का मम्मी के वैलिडेट कर लिए मैं डीटेल्स एंटर कर ला रजिस्टर के बटन ने क्लिक करना इधर मैं लॉगिन पेज रहेंगे ना मैं लॉगिन पेज के मन दीप ईमेल है पासवर्ड एंटर कर लॉगिन लेना इधर मैं व्यू डॉट पी एच पी के फाइल रहेंगे ना इतने दिमाग रिजल्ट मार्क्स अभी तुगत मेरे पेन मुगर ताम टीचर मे मार्क्स एट कर लाने सा दी टीचर के लगे बड़ा मम्मी तो टीचर के ईमेल पासवर्ड दिया लॉगिन विना इधर आप मार्क ऐड करना पेज रहना तो गेट स्टूडेंट डीटेल के बटन ने क्लिक कर ला स्टूडेंट लगे डीटेल चेक करना पूरा मैं दिए इतना फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है दिन लोनी इतना एग्जाम के मार्क्स दिनोनी एग्जाम डेट इलाटोर एंटर मार्क बटन ने क्लिक कर मार्क्स अड्डा टेबल अभी तक आज सर स्टूडेंट लगे बल आप मार्क्स अड्डलाती
මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා අපේ ඩේටා ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මාක්ස් ඇඩ්ලා තියෙනවා 70 ග්‍රේඩ් එක B කියලා ඇඩ්ලා තියෙනවා දැන් බලමු මම මෙහෙ කොහොමද කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ තියෙන අපේ රෙජිස්ටර් page එකේ HTML කෝඩ් එක මේකේ මම use එකේ enter කරන details ටික අරන් තිනවා අරගෙන register කියන button එක click කරනකොට student register කියලා function එකක් call කරලා දෙනවා මේ තියෙන function එක මේකදී මම කරලා තියෙන්නේ එන values ටික form එකක දාගෙන ඒ form එක adjust request එකකින් register.php කියන file එකට යවලා තියෙනවා මේ register file එක මෙතනදි මම කරලා තියෙන්නේ එවන values ටික අරගෙන ඒ values validate කරලා තියෙනවා validate කරලා මම මෙතන මේ database එකේ connection එක හදාගෙන තියෙන්නේ object oriented ප්‍රමේයට ඒකදී මම කරලා තියෙන්නේ object එක class එකක් හදලා තියෙනවා a.php කියන file එකේ මේ විදිහට මම database එකට connection හදාගෙන තියෙන්නේ डेटाबेस इंसर्ट को हदना डेटा टेक इंसर्ट कर पास लॉगिन पेज रीडेट कर लीना मेरी लॉगिन पेज के एचटीएमएल कोड मेरी मूल्य में पीएचपी स्क्रिप्ट सेशन ने स्टार्ट कर लीना इला सेशन ने कहते स्टूडेंट की वैल्यू तीन बढ़ना තියෙනවා නම් එයාව view page එකට යවන්න කියලා function එකක් call කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමයි යාට මේ login කියන design එක පෙන්වන්නේ. login එකේදී මම කරලා තියෙන්නේ email එකයි password එකයි අරගෙන login කියන button එක click කරපුවාම login කියලා function එකක් call කරලා දෙනවා. මේ දින login function එක මේකදී මම एंटर करने ईमेल है पासवर्ड का यारगे ना फॉर्म में का डाला एजेक्स रिक्वेस्ट टेक के लॉगिन प्रोसेस डॉट पीएचपी के ना फाइल लगे टाइप वाला दिए ना मैं दिए लॉगिन प्रोसेस डॉट पीएचपी फाइल लेकर मैं किधर मुली में सेशन ने स्टार्ट कर दिए ना इधर से एंटर करने ईमेल है पासवर्ड का यारगे ना इधर वैलिडेट कर दिए ना इधर से हम बोल लेते हैं ना एंटर करने ईमेल लेकर admin@gmail.com सह पासवर्ड admin@123 टीचर की पेज रीडेट कर लीना मार्क्स एंटर कर एंटर करना ईमेल पासवर्ड अपने डेटाबेस बलना डेटाबेस बलना एम डीटेल तीना गेला तीना मंगे किनाव सेशन दागन दीना එහෙම නැත්තම් ඉන්වයිට් ඊමේල් ඔ පාස්වර්ඩ් කියලා මැසේජ් එකක් එවනවා. හරි ඩේටා එන්ටර් කරලා තියෙනවා නම් එයාව මම view.php කියන ෆයිල් එකට අරවල් තියෙනවා. මේ දින view.php ෆයිල් එක මේකදී මම කරලා තියෙන්නේ ඒ ලොගින් වෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ මාක්ස් ටික පෙන්නලා තියෙන ටේබල් එක. लॉगिंग में टीचर के एक ना या मम एवलती मार्क्स की पीएचपी फाइल एक टीचर पुलवा स्टूडेंट लगे डीटेल ठीक है अरगना ये मार्क्स टीक दिन फॉर्म में खदान दीना इंटर मार्क बटन क्लिक कर इंटर मार्क्स के फंक्शन ने कॉल कर दीना मेरी एंटर मार्क्स फंक्शन मेरी मैम एंटर करना वैल्यूस अरगना फॉर्म मेक दजाक्स रिक्वेस्ट मार्क एंटर डॉट पीएचपी फाइल एवल तीना मार्क एंटर डॉट पीएचपी फाइल कर
ඉන්සර්ට් කරන වැලියුස් ටික වැලිඩේට් කරලා දිනවා වැලිඩේට් කරලා හරිනම් විතරක් මම මාක්ස් කියන ටේබල් එකට ඒ අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික මාක්ස් ටික ඇඩ් කරනවා මේ දෙය තමයි අපි 19 වෙනි ක්වෙස්චන් එක ආන්සර් එක ලියන්නේ අපි දැන් 20 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු 20 වෙනි ක්වෙස්චන් එකත් එක්ක